리지 누가 보인지 마찬가지로 좀아이도 사진은 벌써 이거 안 돼. 에이프도 올라 그리고 너도 너도 확인이 되게 É galinha, é que eu tô com tá bom. Agora é मेरा नाम मनोज शर्मा है और यहीं तहसील सर के पास मेरा घर है। और पिछले मामला ये सर कि पिछले 3 दिन से एक हमारा सांड है जो किसी कारण में अंधा हो गया और अब वो न तो खा पी रहा है और न ही वो चल पा रहा, न ही वो कुछ देख पा रहा है। इस वजह से बार बार नालियम गिर रहा है, इसको खुद को चोट आ रही है और आने जाने मुसाफिर और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस संबंध में न तो नगर पालिका द्वारा कोई कार्य की जा रही है, जबकि उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आवारा पशु इधर उधर भटक रहे हैं उनको यहाँ से ले जा करके उनके जो काजी हाउस बने हुए हैं उन काजी हाउस में उन लोगों को उनको वहाँ पर रखा जाए, जबकि ऐसा नहीं करें। इसके अलावा फिर हमने क्या किया कि पिछले 3 दिन से सांड परेशान हो रहा है तो मैंने कालू सिंह जी ने दिनेश सिंह जी चूली ने यहाँ पर इसको यहीं पर बांधा और इसको चारे और पानी की इसकी व्यवस्था की, लेकिन ये हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। फिर हम इसके लिए गोपाल गौशाला गए, वहाँ हमने कार्मिकों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष साहब से बात करो। हमने शंकरलाल जी जैन पड़ैया साहब जो अध्यक्ष उनसे हमने फ़ोन पर बात की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, हमारा पशु तो कई घूम रहे हैं लेकिन ये बैल अंधा हो गया तो इसके वजह से खुद भी खुद का नुकसान कर रहा, लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो हमने तो इसके लिए इसको यहाँ पर बांध के रखा और भी कई हमारा पशु यहाँ पर सांड वगैरह खूब घूम रहे हैं तो इसके लिए भी नगर पालिका को इसके संबंध में उचित कदम उठाना चाहिए ताकि आमजन को राहगीरों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब हम सर इतना चाहते हैं कि नगर पालिका की तरफ से या किसी भी गौशाला की तरफ से कोई उनके अधिकारी या उनके लोग यहाँ पर आए, इस सांड को वहाँ पर लेकर जाए, इनके इसके चारे पानी की उचित व्यवस्था हो, इसके इलाज की उचित व्यवस्था हो ताकि इसको भी कोई नुकसान ना हो और आम जनता भी इसकी वजह से कोई परेशानी ना हो।